भोजन में प्राण शक्ति होती है। महा दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो भोजन का अपमान करते हैं, महान दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो एक भी दाना भोजन का थाली में छोड़ते हैं, महान अभागे हैं वो लोग जो जरूरत से ज्यादा थाली में डालते हैं, महान अभागे और दुर्भाग्यशाली हैं जो जूठा छोड़ते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा शक्ति और प्राणों का आप नुकसान करते हो ना, उतना हिसाब आपको प्रकृति को देना पड़ता है, देना पड़ता है। मुझे 11 साल हो गई, 11 साल में मैंने एक दाना, 11 साल में मैंने एक सिंगल दाना कभी व्यर्थ नाली में नहीं फेंका। मेरा भोजन कभी जिंदगी में एक दाना, बोल रहा हूं मैं दाना, मेरी थाली को मांजने वाला कंफ्यूज हो जाता है, सांप है कि यूज की हुई है। और ये गवाह है मेरे साथ जो लोग भोजन करते हैं और जो पहली बार मुझे देखते हो, अब क्या थाली को भी खाएगा क्या, छोड़ देना इसको, तो उनको क्या पता रे भोजन में प्राण होते हैं, भोजन में प्राण होते हैं, भोजन में प्राण बसते हैं। और जैसा व्यवहार आप भोजन के साथ करते हो ना, उसके प्राणों के साथ, आपके प्राण वो उतने ही हरता है जितने आपने उसके साथ अपमान किए थे। मैं कईयों को देखता हूं इतना मंगाते हैं, इतना डालते हैं, इतना खाते हैं, और ये सब बेकार। अगर जिंदगी में कामयाबी के शिखर तक जाना चाहते हो तो आज पहला प्रण लेना अपने आप से, अभ्यास कर लेना। नहीं, रबड़ तो है ही आपके पास, है ना। अरे भैया, एक दाना झूठा मत छोड़ना। इसमें प्राण है। दाना झूठा नहीं छोड़ना और भोजन को झूठा नहीं छोड़ना मैंने एक्स्ट्रा मिलाया है। इन्होंने तो सिर्फ इतना कहा था, इस धरती पे इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है जो भोजन को पका के खाती है, जो भोजन को पका के खाती है। बाकी गाय पका के खाती है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, दुनिया का कोई भी जीव जानवर पका के खाता है। इसलिए उसके न हेपेटाइटिस होता, न टीबी होती, न पाइल्स होते, कोई रोग नहीं होता उसके। अपन पका के खाते हैं, भोजन के पूरे प्राण उसमें खत्म हो जाते हैं। ये वो ब्रोकली है जो पकी हुई है, उसकी एनर्जी का एक्सरे, और वो जो थोड़ी कच्ची है उसका एक्सरे। ये वो टमाटर है जो पकाया हुआ है, एनर्जी खत्म। ये वो टमाटर है जो थोड़ा कच्चा है, उसकी एनर्जी का एक्सरे है ये। अरे कामयाब तो खूब हो गए, लेकिन ये शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी तो कामयाबी का क्या चाटोगे आप? तो मैं पहले तो ये पूछता हूं, कामयाबी का इससे संबंध है कि नहीं है? अपने भोजन में कुछ हिस्सा, पूरा भी नहीं तो कुछ हिस्सा बिना पका हुआ भोजन ले ओ। अपने भोजन में बिना पके हुए हिस्से के भोजन ले ओ। अरे डालो ना कुछ खीरा। आहार एक ऐसा तत्व पाया जाता है, आहार में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे आहार की लाइफ फोर्स कहा जाता है, उसकी प्राण ऊर्जा कहा जाता है। कच्चे या कम पके खाद्य पदार्थों में ही यह शक्ति पाई जाती है। भोजन में एक तत्व पाया जाता है जिसे लाइफ फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? और वो शक्ति उन्हीं भोजन के पदार्थों में पाई जाती है जो कम पके या कच्चे रहते हैं, उन्हीं में पाई जाती है। इसलिए कच्चे और कम पके भोजन को शामिल करो। जैसे फल नसीब होते हैं, भारत के करोड़ों को नसीब नहीं होते, नहीं हो पाते, मजबूरियां हैं, परिस्थिति है। अरे लेकिन भगवान ने अगर आपको फल खाने जितनी हैसियत दी है, शामिल करो, फलों को शामिल करो, खीरा शामिल करो, सबसे ज्यादा फाइबर होता है, शामिल करो, टमाटर शामिल करो, जैसा लाल होता है ना वैसे लाल हो जाओगे, शामिल करो, अंकुरित अनाज शामिल करो, कुछ तो शामिल करो इनमें से, कोई काजू बादाम मेवे ये शामिल करो। रोज पका पका के खा रहे हैं,
अंदर सामान पूरा पक गया है, अब कभी भी इसको जला के आ जाएंगे। लाइफ फोर्स भोजन की पूरी यूज करो। भोजन में लाइफ फोर्स होती है। कच्चा या कम पका भोजन भोजन में शामिल करो। बार बार बोल रहा हूं, शामिल करो। और एक बात मैं बोल रहा हूं, जिंदगी में कभी भी झूठा मत छोड़ना, झूठा मत छोड़ना, मत छोड़ना। मेरी इसे आत्मा रोती है जब लोगों को मैं भरी कटोरी सब्जी में यूं खा लिया भाई, और धीमी आंच में पकाओ। भोजन की लाइफ फोर्स खत्म हो जाती है जब आप खूब धमाधम सीटियों के ऊपर सीटियां लगाते हैं। वहां वो सीटी, फिर एक दिन आपकी सीटी बजेगी। लाइफ फोर्स भोजन की खत्म मत होने दो। आप अपनी जिंदगी में अपनी सफलता को कायम रखना चाहते हो ना, तो भोजन के साथ न्याय करो, क्योंकि ये आपके प्राण है। अभी एक दिन भूखा रहने से आपको पता चल जाता है भोजन की वैल्यू, और दो दिन में, तीसरे दिन में तो विश्व के 300 ईमानदार लोग, सबसे सभ्य लोगों को एक हॉल में बिठा दो और 3 दिन भूखे रख लो, और 150 लोगों का भोजन रख दो। लोग कितने? 300, और भोजन कितने का? 150 का। और 3 दिन से भूखे रख दो और फिर हॉल में रख दो। और लोग कैसे? सबसे सहनशील, सबसे समझदार, सबसे ईमानदार, सबसे चरित्रवान, सबसे ज्ञानवान। अब 150 लोगों का भोजन 300 को देके देख लो, गंडकों की तरह नहीं लड़े तो नाम बता देना आप मेरा। इतनी प्यास है उस भोजन की, इतनी जरूरत है उस भोजन की। तो जब इतना जबरदस्त है उसमें फोर्स, तो जब जब दुनिया में कोई एनर्जी का अपमान करता है तो एनर्जी फिर आपको छोड़ती नहीं है, माफ नहीं करती है।